नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए, बटाटा वड़ा के पेस्ट बनाया, तेल में पका लिया हूँ। इसमें लहसुन, अदरक, हरा मिर्ची, राई, करी पत्ता, धनिया, ये सब डाल के इसका बटाटा वड़ा के मसाला तैयार कर दिया हूँ। और ये आलू को मिक्स करके उसमें डालेंगे। देखिए, मैं आलू को साफ कर रहा हूँ, छिलका सब निकाल दूँगा अच्छे से। देखिए फ्रेंड, 20 आलू के है, बड़ा बड़ा आलू है, 80 बटाटा बड़ा बनाएंगे। देखिए, एक ग्रेवी डाल रहा हूँ, अब ये मैश करूँगा। अभी डाल दिया, अब मैश कर देगा। देखिए फ्रेंड, मसाला तैयार हो गया। थोड़ा आप लोग लाइक सपोर्ट कर दीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, अगर थोड़ा खटापन चाहिए तो एक आध नींबू डाल दीजिएगा, ये टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा, माने टेस्ट अच्छा लगेगा। देखिए फ्रेंड, बटाटा वड़ा के गोली तैयार कर दिया। अब इसको बेसन में तैयार करे फ्राई करेगा। अभी तेल डालूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड लोग, तो लाइक सपोर्ट कर दीजिए। वास्ट फुल वीडियो थोड़ा मेरा देख लीजिए, जो मेरा भी वास्ट टाइम बढ़ जाए। और आप लोग के सपोर्ट से आगे बढ़ सकता हूँ। देखिए, बेसन के फेंटे, इसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सोडा डाला हूँ। पेस्ट में डाल दिया बेसन के पेस्ट में। देखिए फ्रेंड, बटाटा वड़ा में फ्राई करना शुरू कर दिया हूँ। दो मिनट लगेगा, बस हो गया फ्राई। बटाटा वड़ा मेरा बन के तैयार हो गया। फ्रेंड, लिख के भेजिए कैसा बटाटा वड़ा बना। गोल्डन ब्राउन, बटाटा वड़ा तैयार हो गया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए फ्रेंड।
थैंक यू फ्रेंड, लाइक सपोर्ट कर दीजिएगा। हमने वीडियो डाला हूँ, कभी ये सब वीडियो में मैं डालता नहीं हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक सपोर्ट आप लोग का बनता है, सपोर्ट कर दीजिएगा। मेरा चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ।